हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम ट्रिपल साइज शर्क को मीडियम साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। ये एक ट्रिपल एक्सल शर्क है और इसको मैं अभी मीडियम साइज में कन्वर्ट करने वाली हूँ। पहले मैं आपको इसका साइज मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका तीरा है 18.5 इंच, आपको दिखाई दे रहा होगा 18.5 इंच इसका तीरा है। और इसकी जो चेस्ट है वो है, एक साइड से 28.5, और अब हम इसको डबल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कितना साइज होने वाला है, 56-57 के आसपास। और लेंथ तो हम चाहे जितनी रख सकते हैं, छोटी बड़ी लेंथ का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इसमें लेंथ है इसकी 31, और स्लीव्स भी उसी अकॉर्डिंग है इसकी। आर्म होल मैं इसके दिखा देती हूँ कितने हैं। आर्म होल इसके 11.5 हैं, और मीडियम साइज़ के लिए हमें 7.5 के आसपास चाहिए होते हैं। तो आपके सामने है ये कितना ज़्यादा इसका साइज़ है। अब हम इसको मीडियम साइज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं ऐसे कैसे, ये मैंने इसको अच्छे से बिछाया हुआ है पहले से, और अब मैं जैसे कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं ऐसे मैं कर लूँगी। दो लेयर तो हैं इसकी, अब मैं एक बार और इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब हम जैसे नए टॉप या सूट की जैसे भी कटिंग करते हैं उस अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है कि हमें सिलाई निकाल के इसकी फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ फोल्ड कर लिया है। और अब मैं जैसे तीरे के और स्लीव्स वगैरह के निशान लगाती हूँ वो मैं लगा लूँगी। तीरा सबसे पहले हम लेंगे, हमें चाहिए तीरा है 7 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पे 7 इंच का निशान आ गया हमारा। नीचे भी मैं 7 लूँगी, ये 7 आ गया, और इसको हम मिला देंगे। अब मुझे चेस्ट का निशान लेना है। चेस्ट मुझे चाहिए है 38.8 इंच। तो ये 9.5 पर मेरा आएगा, और अब हम इसको और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए, ये इतना फिर भी हमारा एक्स्ट्रा अभी कटिंग होने वाली है, जो सिलाई है उससे अभी हम इतना दूर हैं। ये हमारा आ गया। अब हम इसमें ये जो गुलाई करते हैं वो भी गुलाई साथ साथ कर लेंगे। ये हमारा तीरे का निशान लग चुका है, आर्म होल का निशान लग चुका है, चेस्ट का भी निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आके स्लीव्स हमें थोड़ी सी सिलाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीधा इसको कट कर देंगे तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो जाएंगी। अब हम इसका नीचे वाला निशान लगा लेंगे। जो कमर है वो हमें चाहिए है 33-34 के आसपास, तो वो हम निशान यहाँ से लगा लेंगे 8.5 पर, और ये हमारा ऐसे ही मिलना है। और ये नीचे वाला भी हम थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया से कम कर लेंगे, तो ये हमारा फिटिंग का निशान बनेगा। और थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन रख लेंगे कटिंग के लिए, तो ये हमारा श्रग की कटिंग आएगी। आपको निशान विजिबल हो रहे हैं शायद, अच्छे से मैं दिखा देती हूँ कैसे कैसे हम इसमें निशान लगा रहे हैं। और बस
यहाँ से मुझे थोड़ी सिलाई निकालनी पड़ेगी, बाकी मैंने ये निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट करके स्लीव्स को दोबारा हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से काट दूँगी तो स्लीव्स बिल्कुल अलग हो जाएंगी, तो हम स्लीव्स को दोबारा जोड़ लेंगे और बस यहाँ पे एक सिलाई लगानी है हमें, और इसमें कुछ नहीं करना। नीचे सारा हमारा लगा हुआ है, उसमें हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़ करने की। और ये हमारा श्रग रेडी हो, ये देखिए कटिंग हो चुकी है इसकी। और कटिंग होते ही आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, ये मीडियम साइज़ का बन चुका है, बस इसमें सिलाई लगानी है। और ये मैं आपको जूम करके जो दिखा रही हूँ, यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने बोला था जो सिलाई खोलनी है, बस उतना मैंने एक इंच का लगभग छोड़ दिया है, उसको कट नहीं किया है, और बाकी जो मैंने निशान लगाए थे उस पर कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स को दोबारा जोड़ देंगे और ये साइड वाली सिलाई फिर से लगा देंगे, तो ये हमारा मीडियम साइज़ के श्रग रेडी हो जाएगी। ये जो मैंने साइड का निशान लगाया था उस पर मैं दोनों साइड से अभी सीधी सीधी सिलाई लगा दूँगी। ये यहाँ पे दोबारा मशीन को बैक करके हम लॉक लगा देते हैं ताकि धागा हमारा निकले ना। साइड में जो हमने निशान लगाया था, मैं उसी पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये एक बाजू मैंने रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं ये बाजू मैंने डाल दी है, और अभी दूसरी बाजू मैं आपको डाल के दिखा दूँगी। ये मेरी स्लीव है, और जितना हमारा यहाँ से आर्म होल है उतना मैं इसको नाप के और यहाँ साइड से सिलाई लगा दूँगी, और आगे तक उतना ही मार्जिन लेके मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि साइज़ तो हर जगह से ज़्यादा बड़ा है, तो बाजू भी हम थोड़ी सी टाइट करेंगे। और मैंने ये आर्म होल का साइज़ ले रखा है, तो मैं अब इस पर एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। साइज़ का श्रग हमारा रेडी हो गया है, और अब मैं इसको मेजर करके आपको दिखा देती हूँ कि अब ये किस साइज़ में रेडी है। सबसे पहले हम इसका तीरा नापेंगे, और तीरा इसका रेडी है 14 इंच, और उसके बाद मैं इसकी चेस्ट आपको दिखाऊंगी, चेस्ट कितनी रेडी है। चेस्ट हमें चाहिए थी 38.5 इंच, तो ये उतनी ही तैयार है। और उसके बाद हम कमर इसकी दिखाएंगे, कमर भी उतनी ही जितनी हमें चाहिए थी। तो ऐसे ही हम अपने किसी भी टॉप को, कुर्ती को, प्लस साइज़ किसी भी ड्रेस को हम ऐसे ही स्मॉल साइज़ में, मीडियम साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।